illegal street race in progress at Vice Point. Street racers, this is illegal and forbidden. नमस्कार, कम्युनिटी क्राइम खबर में आपका स्वागत है। बहुत ही समय के बाद ये देखा गया है नितिन का वैसी वाला रूप, जिसने फिर एक बार उसने समाज को गाली दी और पागल बुलाया। मैं पूछता हूं, आखिर कब तक आप इस दरिंदे इंसान की इसी तरह सुनते रहेंगे? आखिर कब तक? ये बहुत ही संवेदनशील सवाल है। फिलहाल हमारे करेस्पॉन्डेंट अय्यप्पल्ली रामकृष्णन जी कोचिन में नितिन के साथ है, तो आइए पूछते हैं उनसे इस बारे में। हाँ तो रामकृष्णन जी, आपकी बात हुई नितिन से? हाँ रामकृष्णन जी, रुकावट के लिए खेद है, हम फिर एक बार कोशिश करेंगे। जी हाँ रामकृष्णन जी। हाँ अभी सब कुछ ठीक है नितिन, यंद विशेषम। अभी हम आपसे दो सवाल पूछेगा। ओके, पहला सवाल, हमने अभी अभी सुना आपने समाज को गाली दी और पागल कहा, क्या ये सच है? हाँ या नहीं? अगर हाँ तो ऐसा क्यों किया, अगर नहीं तो क्यों नहीं किया? दूसरा सवाल, इफ डू इन टू डू इज इक्वल टू फोर, देन व्हाई इज नॉट नितिन कॉल्ड अ चोर? व्हाट द हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नितिन। अयो इससे पहले ये मेरा लुंगी निकाल के मारे है, कोचिन से कम्युनिटी क्राइम कवर के लिए अय्यप्पल्ली रामकृष्णन। खबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रामकृष्णा जी। इस जुर्म के खिलाफ जिस किसी ने आवाज उठाई वो दबाई गई है, आखिर कब तक चलेगी ये तमाशाही? अगर आपको भी नितिन से इतनी ही नफरत है तो आई हेट नितिन एक कम्युनिटी है, आप तुरंत इस कम्युनिटी ज्वाइन करिएगा और अपनी आवाज उठाइएगा। विश्वास सूत्रों से पता चलता है कि रोहित भूत नाम के लड़के ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और वो भी प्रपोज करने के लिए। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, क्या चल रहा है इनके बीच? पहली बार हमारे चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज, नितिन और रोहित भूत के एक साथ, और भी कई शर्मानक वर्लते हो रही है यहाँ। क्यों है तिनका अब तक बैन? कहा है बोर्डिंग हाउस बिजनेस के बूम बैग, कैसेहरा ने बकरी के साथ घर बसा लिया, ऐसी कई पहेलियों के जवाब सिर्फ कल के स्पेशल रिपोर्ट में। और हाँ, आप जागरूक नागरिक बनिए, और अगर आपके पास कोई भी वीडियो या फोटो है तो आप तुरंत भेज दीजिए mtvrealdeal@gmail.com पर। और हाँ, आप इन सारे खबरों को पढ़ सकते हैं MTV कम्युनिटी टाइम्स पर। जी हाँ, आज ही खरीदिए। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे रियल डील टास्क 5 में, तब तक अलविदा।